मोटा तेरे ब्रीफ करवा रहा हूँ, कल क्या पढ़ाया गया था। छेता ना लेक्चर नंबर पांच, छेता 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 पांचवा होगा था। सुन लो ध्यान से, अच्छे तरीके से मेरी बात सुनो। आज हम कल कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा? कल हमने ये बताया, देख लो, नहीं पढ़ा तो देख लो। ये हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण था नहीं है, उसके बाद ये हमारा ध्रुव, सात, अच्छा सात वाला ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ अनंत, यहाँ रखी हुई वस्तु, चलिए प्रकाश की किरणें फोकस तो को चली गई, इसका नाम ए, इसका नाम बी, एक ऐसी जो एक ऐसी होगी जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जाएगी नहीं, और जो 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 यहाँ से जागी ना उसी मार्ग वापस लौट जाएगी, लौट जाएगी नहीं लौट जाएगी, इसका नाम ए डैश, इसका नाम क्या होगा, ठीक, कोई दिक्कत है? ये वक्रता केंद्र हमारा है नहीं, हमने बताया था जो वस्तु की दूरी से यू से लिख, ये वस्तु रखी हुई, ये दर्पण अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो वस्तु की दूरी से यू से लिखेंगे, और जो प्रतिबिंब बना ना प्रतिबिंब की जो दूरी हो उसे वी से लिखेंगे, और जो हमारा फोकस दूरी होगी ना फोकस दूरी उसे एक्स से लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की फोकस दूरी, मुख्य फोकस से लेकर दूर तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, उसके बाद यहाँ से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, इस अर्थ से प्रदर्शित करेगी। ये बताई थी मैंने, कहा जो वस्तु होगी ना उसका कुछ ना कुछ साइज होगा, आकार होगा, उसे उसे लिखेंगे, और जो प्रतिबिंब होगा ना उसका कुछ ना कुछ आकार होगा, साइज से लिखेंगे। कल वाली क्लास में बताया था वो, बताया था नहीं बताया, बहुत आराम से समझाया प्यार के साथ तुम। दोबारा फिर यू का नाम वस्तु की दूरी, वी का नाम प्रतिबिंब की दूरी, ओ का नाम वस्तु का आकार, आई का नाम प्रतिबिंब का आकार, एफ का नाम फोकस दूरी अवतल दर्पण की, आई गोली दर्पण कुछ भी हो सकता है ऐसा ही उत्तल दर्पण में होगा, उसके बाद वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, आर का मतलब गोली दर्पण की, जो गोली दर्पण कौन सा हमारा अवतल दर्पण नहीं है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उसके बाद हमारा ये क्या फोकस नहीं है, ये हमारा मुख्य फोकस हुआ, आई का मतलब प्रतिबिंब का आकार नहीं है, ओ का मतलब वस्तु का आकार नहीं है, कल तुम्हें बताया गया था जो गोली दर्पण, ऐसा ही हमारा जो खेल हो वो किस में होगा, वो होगा हमारा उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण होगा हमारा, होगा नहीं, कौन सा दर्पण है ये, एम ये हमारा, एन ये हमारा क्या होगा ध्रुव, यहाँ क्या होगा मुख्य फोकस, यहाँ क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ क्या होगा अनंत, यहाँ क्या रखी हुई होगी वस्तु के पास से क्या जाएगी किरण जाएगी, वस्तु का नाम क्या है, इसके पास से जो किरण जाएगी कहाँ तो हो जाएगी मुख्य फोकस, एक ऐसी भी तो होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हो जाएगी, या तीन प्रतीत होगी इसी मार्ग वापस लौट जाएगी, जहाँ दोनों कटेगी वहां पर, कल पढ़ाया था रिपीट करवा रहा हूँ मैं मोटा मोटा तरीके से, इसका नाम ए डैश, इसका नाम कितना बी डैश, ये क्या हमारी वस्तु, वस्तु की दूरी कहीं से प्रदर्शित करते हैं, यू सर वस्तु की दूरी है या वस्तु का आकार नहीं है, चाटा मारूंगा बहुत तेज फालतू बोल लोगे, यहाँ लिखा हुआ वी, ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, और ये ओ का नाम हो वस्तु का आकार, आई का नाम हो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, ये वस्तु का आकार, ये प्रतिबिंब का आकार, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद जो वक्रता त्रिज्या उसे डिनोट करते हैं आर से, आर आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, एफ का मतलब फोकस दूरी, कल तुम्हें बताया था जो अवतल दर्पण हो ना उसमें कौन कौन सी चीज प्लस की होगी, कौन कौन सी चीज माइनस की होगी, पेपर में तीन नंबर का सवाल आगा, पक्का आगा, 100% आगा, ये हमारा उत्तल दर्पण, कल तुम्हें बताया गया था, मैंने कहा इसे देख कर चलना तुम परिपाटी चिन्ह को, बताया था नहीं इधर वाली दूरिया माइनस में, इधर वाली प्लस में, ऊपर वाली दूरिया प्लस, नीचे वाली माइनस, कल बताया था। अभी इधर देख लो, इधर देखो इसमें कौन कौन सी चीज ऊपर है, बस ओ का मान ऊपर है, बाकी सब इधर ही, ओ का यानी ओ का मान कैसे होगा प्लस का, यो नहीं बताया जा रहा है, बताओ कितने बुद्धू, ध्यान ही नहीं लगाना घर जाएगा, करना ही नहीं काम घर जाएगा, ओ का मान बस प्लस का होगा, बाकी देखो यू का मान इधर नहीं है जो इधर होगा माइनस में, वी का मान इधर नहीं है माइनस में, एफ का मान माइनस में, वी का मान माइनस में, अवतल दर्पण में सारी चीज माइनस की होगी, वी का मान बी, एफ का मान बी, यू का मान बी, आर का मान बी, ये सब कायम होंगे, उसके बाद आई का मान बी, आई का मान नीचे नहीं है, जो नीचे होगा कायम होगा माइनस, ये सब जैसी सभी चीजें माइनस में होगी, कल बताया था निगेटिव, निगेटिव का मतलब शॉर्ट फॉर्म होया वी ई, माइनस लगाया निगेटिव, निगेटिव का मतलब माइनस होंगी। उसके बाद ये उत्तल दर्पण में देखो कौन कौन सी चीज माइनस में होगी, यू का मान छोड़ दो बस, यू का मान तो होगा माइनस में क्योंकि यू का मान इधर हो, बाकी सभी चीज इधर है ना इसकी, यू सब चीज वी का मान बी, एफ का मान बी, आर का मान बी, ओ का मान बी, आई का मान बी, सारे के सारे मान ही कहीं होंगे प्लस में, बात समझ में आई, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में सिर्फ यू का मान माइनस में होगा, नहीं होगा तो ले लेना सवाल करते वक्त, ये अवतल दर्पण होगा, जो अवतल दर्पण होगा सिर्फ ओ का मान प्लस में होगा बाकी सब माइनस में, जब लास्ट वाली क्लास में कल बताया था रेखा वर्धन क्या हो, एम बराबर सूत्र हो आई बटा हो, ये रेखा वर्धन का सूत्र हो, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार ऊपर रख दोगे, वस्तु का आकार नीचे रख दोगे तो रेखा वर्धन निकल जाएगा, रेखा वर्धन हम इसीलिए निकालते हैं अगर किसी सवाल में तुमने रेखा वर्धन निकाल लिया, अगर एम का मान प्लस में आया तो एम का मान प्लस माने का ये मतलब होगा कि वो हमारा अवतल उत्तल दर्पण होगा, अगर एम का मान माइनस में आया वो प्रदर्शित कर रहा होगा कि अवतल दर्पण होगा, तो एम का मान दर्पण की प्रकृति के बारे में पता लगाता है, एम का मान, अगर एम का मान प्लस में आया, एम के मान निकालने के दो सूत्र, एम बराबर एक सूत्र यू माइनस की बी बटा यू, दोनों सूत्र याद रखने, दोनों सूत्र याद रखने। अभी मैंने तुम्हें ये बताया, मैंने कहा एफ का मतलब फोकस दूरी होगा,
यू का मतलब तो प्रतिबिंब वस्तु की दूरी होगा, और एफ का मतलब तो फोकस दूरी होगा, और वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु दूरी, तीन नंबर संबंध हो, एक बटा एफ बराबर एक बटा वी प्लस एक बटा यू। यू बताया था कल सूत्र, मैंने कहा इस पर आज हम सवाल करने वाले, इस सूत्रों पर, इन सूत्रों पर हम सवाल करने वाले, पेपर में तीन नंबर का सवाल हर साल आने वाला, ठीक से सवाल, ये सवाल समझाया जाएंगे तुम आज, ये सारा भी कल पढ़ा चुका, आज बस रिपीट कराया मोटे मोटे तरीके से, दोबारा बैठ समझ लो। जो ये एक बटा एफ बराबर एक बटा वी प्लस एक बटा यू, एफ का मतलब वो गोली दर्पण की फोकस दूरी, वो गोली दर्पण अवतल भी हो सकता है उत्तल भी हो सकता, यू वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी नहीं प्रतिबिंब, हाँ प्रतिबिंब की दूरी, यू का मतलब वस्तु का, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, आई का मतलब प्रतिबिंब का आकार, ओ का मतलब वस्तु का आकार, सब यहाँ लिखा हुआ चित्र में लिखा हुआ, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, बता दिया उसमें कौन कौन सी चीज माइनस की, दिमाग में ध्यान में नहीं रखोगे तो जो न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें मार खाओगे, उसमें पीटोगे मेरे से, इसलिए इसे याद रखने में लाइए कि अवतल दर्पण में बस एक ही चीज प्लस की हो, ओ की मान, बाकी सब माइनस में लेने पड़ेंगे, नहीं दे रखे तब भी ले, उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही चीज माइनस की हो, यू का मान दिख रहा ना, यू का मान माइनस का, बाकी सब प्लस में लेने पड़ेंगे, नहीं लेने तो नहीं लेने तो सवाल गलत हो जाएगा तुम्हारा, याद रखिए ये ध्यान में रखने वाली बात है, ध्यान इसी तरह यहीं तो ध्यान लगाना, समझ गए। रेखावर्धन का सूत्र क्या हो, m बराबर i बटा o, दूसरा सूत्र m बराबर माइनस के v बटा u, दर्पण का सूत्र क्या हो, दर्पण का एक बटा f बराबर एक बटा v प्लस के एक बटा u, याद रखिए बातें ठीक, अब मैं हटा रहा हूँ और न्यूमेरिकल बनाने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल जो पेपर में आता होगा, ठीक, तुमसे सवाल पूछूंगा कि पेपर में कैसा सवाल बनेगा, यो एक बटा एफ बराबर एक बटा वी प्लस के एक बटा यू, पता क्या है, ये हमारा गोले दर्पण का सूत्र, गोले दर्पण का अवतल दर्पण के लिए भी लगेगा, उत्तल दर्पण के लिए भी लगेगा, कैसा सवाल क्या जाएगा, एफ का मान देगा, वी का मान देगा, यू का मान याद करो, वी का मान देगा, यू का मान देगा, एफ का मान याद करो, ऐसा सवाल आया होगा पेपर में, यू का रेखावर्धन याद करो, अगर वी का मान दे रखा है, यू का मान दे रखा है, तो एम का मान निकालने के लिए, एम ही तो रेखावर्धन, रेखावर्धन किसका, गोले दर्पण का, आई का मान दे रखा है, ओ का मान दे रखा है, रेखावर्धन याद करो, तब भी सूत्र का प्रयोग कर दोगे, समझ में आया बात है, कहाँ का इन सूत्रों को, इन सूत्रों को ध्यान में रखना, कौन सी चीज प्लस की होगी, कौन सी माइनस की होगी, बात तुम्हें याद रखनी। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, बताओ गोली जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होगी माइनस की होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, चार्टे इतने मारूंगा ना, याद रखोगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण में एक ही चीज प्लस की, बाकी सब माइनस की, देखना वी एफ यू आर आर ये आई देखने ना, सभी खोल लो बटन से, एक अगला सवाल पूछता हूँ, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के अंदर वस्तु की दूरी प्लस में होगी माइनस में होगी, वस्तु की दूरी, उत्तल दर्पण की बात बता रहा हूँ मैं, उत्तल दर्पण के अंदर वस्तु की दूरी माइनस में होगी, यू का नाम वस्तु की दूरी, वी का नाम प्रतिबिंब की दूरी, आर समझ, एफ का नाम फोकस दूरी, आर का नाम वक्र त्रिज्या, ओ का नाम वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार, आ ले तुम्हारा नंबर, खड़ा हो बता, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के अंदर फोकस दूरी प्लस में होगी माइनस में होगी, अच्छा बैठ जा, खड़ा हो कि बता, उत्तल दर्पण के अंदर जो रेखावर्धन प्लस में होगा माइनस में होगा, रेखावर्धन, रेखावर्धन आवर्धन को कहीं से प्रदर्शित करो, किस बैठ जा, खड़ा हो, रेखावर्धन कितने सूत्र हो, किसका रेखावर्धन, गोले दर्पण का रेखावर्धन, अगर प्लस में आया क्या प्रदर्शित करागा वो, अगर प्लस में आया, प्लस में आया तो उत्तल दर्पण को प्रदर्शित करेगा, नेक्स्ट खड़ा हो पता, अगर उत्तल एम का मान माइनस में तो क्या प्रदर्शित करो, अवतल दर्पण, बैठे खड़ा हो, देखिए अवतल कितने सूत्र, दोनों सुना जी, देखो एम बराबर आई बटे जी ओ और एम बराबर माइनस वी बराबर, बोर्ड पर देख रहा मजा, बैठ जा खड़ा हो, एक बटा एफ बराबर एक बटा वी प्लस के बटा यू, किसका सूत्र है, गोले दर्पण का, एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस, चिल्ला चिल्ला के बताया, फोकस दूरी, वी का मतलब क्या है, कौन नहीं लिखवाया था, लिखवाया था रेल बना दूंगा थारी तुम्हें, यादारी किसी की नहीं आती। अब सवाल बताने जा रहा हूं, सवाल बताने जा रहा हूं, सवाल ऐसे बनते हैं और ऐसा सवाल तुम बनाकर दिखाओगे मुझे, पहले मैं बताने जा रहा हूं सवाल कैसे बनते हैं, फिर तुमसे पूछूंगा बता सवाल कैसे बनते हैं, सवाल बनाने सिखा रहे, सवाल करना सिखाओ, बनाने के सिखा रहे, अच्छा ना, सवाल पहले बनाने सिखाए जाएंगे, ऐसे सवाल बनते हैं, एक पहले मैं अवतल दर्पण का सवाल बताऊंगा, बोल के बताऊंगा, फिर तुमसे सुनूंगा बता सवाल कैसे पूछेगा पेपर में, फिर मैं हल करवाऊंगा, फिर तुम बताऊंगा बता इसमें क्या हुआ, ओके, इसलिए पूरा फोकस लगा कर रखना, ओके चलिए चलो, मैं इसमें याद रखना सिर्फ बाबू बाबू, ओ का मान पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, यू का मान माइनस में, सिर्फ यू का मान इधर है ना, यू का मान इधर है ना, बाकी सब प्लस में, याद रहेगी, इसे मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से,
ये सूत्र याद रखना, एक बटा बराबर एक बटा बी प्लस के एक बटा यू। अगर किसी सवाल में फोकस दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, वस्तु की दूरी याद करो, सूत्र लग जाएगा। क्योंकि रखा फोकस प्रतिबिंब की दूरी दे रखी, वस्तु दूरी दे रखी, फोकस दूरी याद करो, गोले दर्पण की, ये सूत्र लग जाएगा आराम से। ये दोनों सूत्र भी बड़े काम के। आई का मतलब वस्तु का आकार, साइज कितना उसका, कितनी हाइट उसकी, कितनी लंबाई है। ओ का मतलब आई का मतलब तो प्रतिबिंब का आकार, ओ का मतलब वस्तु का आकार, वस्तु की लंबाई कितनी, वस्तु का हाइट कितना, वस्तु का साइज कितना, समझ आई बात या? उसे यहाँ रख दे उठा कर। वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, कभी कभी क्या हो ना तो आई का देता ना होगा देता, रेखावर्धन याद करो, तो फिर वी का यू का दिया होगा, तो वी का मान यहाँ रख दो, यू का मान यहाँ रख दो, रेखावर्धन निकल जाएगा, तो रेखावर्धन निकालेगा क्या फायदा हो, पता लग जाएगा कि प्रतिबिंब जो दर्पण है ना उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब अवतल की उत्तल दर्पण, ये पता लग जाए। अगर एम का मान आया माइनस में तो उत्तल दर्पण होगा, अगर एम का मान आया प्लस में तो उत्तल दर्पण होगा, अगर एम का मान आया प्लस के वन तो समतल दर्पण होगा। कल लिखवाया था नोट्स में, समझ में आया बात या? वीडियो पढ़ी भी जाकर देख लेना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, इसीलिए वीडियो बनाई जाए, कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट। ओके, हम यहाँ से रफ कर रहे हैं, अब इसका सवाल समझाने जा रहे हैं तुम, अब सवाल समझाने जा रहे हैं, और एक एक बच्चे सवाल पूछेंगे, दो ही सवाल समझा पाऊंगा आज में। नंबर फर्स्ट, एक अवतल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण का। मार्केट में जितने भी सवाल गाइड तुम्हारे पास होगी मौजूद, आज उसके अंदर गाइड खोल लो, पिछले साल के पेपर खोल लो, सारे सवाल इसी तरह होने, सारे सवाल इस तरह होने। अब कम से कम 10 सवाल करके लेगा ना तुम्हारे, चाहे गाइड से करके लेगा, कहीं से करके लेगा, 10 सवाल ऐसे। पहले मैं एक सवाल समझाने जा रहा हूँ अवतल दर्पण का, और अवतल दर्पण का जो सवाल समझाने जा रहा हूँ, सवाल समझाऊंगा, सवाल लिखवा नहीं रहा, सवाल समझाऊंगा ऐसे बनते हैं, फिर तुमसे पूछूंगा बता सवाल कैसे बनते हैं। अभी चले, बड़ी जालिम है ये दुनिया, हमें प्यार न करने देगी, चले चले कहीं, बैठ जाओ। कौन सा दर्पण? ये कौन सा दर्पण? चिल्लाना नहीं, जब चिल्लाना, जब चिल्लाना, ये हमारा जो अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण के सम्मुख, मतलब सामना, फ्रंट पर अवतल दर्पण के सामना, यू वस्तु की दूरी कहीं से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैंने तुम्हें यू का मान दे दिया, यहाँ दिक्कत है कुछ, मैंने कहा यू का मान 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ऐसा सेंटीमीटर में देगा, ठीक। उसके बाद सवाल में कह देता हूँ, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रख दिया ना, जो फोकस दूरी अवतल दर्पण की, जो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान दे दिया। मैं पूछूंगा प्रतिबिंब कितनी दूर बढ़ना होगा, यानी वी का मान निकालना, प्रतिबिंब कितनी दूर बढ़ना होगा, कि प्रतिबिंब कितनी दूर बढ़ना होगा, कितनी दूर, यानी किसका मान निकालना, वी का मान निकालना, समझ गए? एक इस पर ना, इसी सूत्र पर 3 सवाल पूछे जा सके, और इसमें भी 3 सवाल बन सके। जानना चाहते हो? पहला सवाल बताने जा रहा हूँ, सुंदर ध्यान लगाकर, एक एक बच्चे तो पूछूंगा। पहले मैं आपका मान निकालने पूछूंगा तुमसे, ठीक, और सवाल पूरा सुनना, और जब सवाल जब पूरा सुना दूंगा मैं, पहले समझना क्या बताएगा। एक अवतल दर्पण ऐसे कहेगा, एक अवतल दर्पण में वस्तु को, एक अवतल दर्पण, यह वस्तु नहीं है, ऐसे ही कहेगा सवाल, हिंदी में लिखकर जाएगा, एक अवतल दर्पण में वस्तु को, तो तुम सोचना अवतल दर्पण, अच्छा क्या वस्तु, यारी वस्तु, समझ में आई बात है, वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी यू का मान दे दिया। यू का मान कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। यू का मान प्लस में होगा माइनस में होगा, सुनो, अवतल दर्पण में प्लस में नहीं होगा, प्लस में कैसे हो जाएगा, चाटे इतने मानूंगा, ओ का मान प्लस में हो, उसमें बाकी सब माइनस में हो, ऑटोमेटिक माइनस में रहोगे। अभी मैं बत्तमीज कहाँ की थी, अभी लिखवाया था नहीं थोड़ी देर पहले, ओ का मान प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होंगे, लेकिन ना यू का मान इधर नहीं आएगा, जो दूरी इधर हो माइनस में नहीं होगी, ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा, उन्होंने 20 कह रखा है ना, प्लस का कह रखा, तब भी माइनस में ले, क्योंकि अजल दर्पण बता रहा हूँ, चिन्ह के बारे में जानकारी दे रहा है कि इधर दूरियां इधर, तो इधर वाली दूरियां सारी माइनस में ली जाए, पता लग गया सवाल कैसा। एक अवतल दर्पण में वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तुम समझ जाना, अवतल दर्पण वस्तु को रख रहे, और वस्तु की जगह भी कह सको बिंब को, बिंब का मतलब भी वस्तु ही हो, एक अवतल दर्पण में बिंब को, बिंब भी कह सको, वस्तु नहीं कहता, बिंब भी कह सको, वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तुम समझ जाना, यू का मान दे दिया, और यू का मान प्लस में लेंगे माइनस में, पता लग गया ना माइनस में क्यों लेंगे, ठीक है। उसके बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब, यह वस्तु ना, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाता है, यानी वी का मान दे दिया, प्रतिबिंब बन चुका कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाता है, अब वी का मान कितना होगा, 10 माइनस के 10 सेंटीमीटर, पता लग गया ना माइनस क्यों लेंगे, इधर है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। वस्तु कितनी दूर रखी थी, प्रतिबिंब कितनी दूर बना, किसके भीतर, अवतल दर्पण के भीतर, कितनी दूर बना, 10 सेंटीमीटर की दूरी, माइनस के 10 नहीं बोलने का, कोई भी 10 बोल लगा, वो माइनस सिर्फ दिशा बता रहा किधर बन रहा प्रतिबिंब, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, समझ में आया बात यार, ठीक, कोई दिक्कत। अब सवाल बता क्या पूछा, तो उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, ऐसा कोई सूत्र जिसमें ये भी आता हो, ऐसा कोई सूत्र है कोई ऐसा सूत्र, एक बटा बराबर एक बटा बी प्लस के बटा, यानी यही सूत्र लगेगा, आराम से सीधे करके निकालना, यहाँ
या ऐसे ऐसे करके निकाल लेंगे, एक बटा एफ बराबर एक बटा वी प्लस के एक बटा कितना यू, यहाँ कितना बैठ जाएगा एक बटा एफ बराबर एक बटा वी, वी का मान बताओ कितना, वी का मान माइनस के दस, ये प्लस एक बटा कितना यू, यू का मान कितना माइनस के बीस, प्लस माइनस इन दोनों चीज़ों के नाम का एक चिन्ह बन जाएगा, एक बटा एफ बराबर माइनस के एक बटा दस, जो माइनस है ना ऊपर पहुंच जाए, देखो यहाँ प्लस हो प्लस माइनस माइनस ऊपर ही लगा ले माइनस को, माइनस एक बटा कितना बैठ जाएगा बीस, इसको तो हल कर ही लोगे आराम से, कैसे हल करोगे सर, एक बटा एफ बराबर इसका एलसीएम लोगे कितना बैठेगा बीस, दस दूनी और दो एकम बीस एकम और एक एकम कर लो या ऐसा कर लो बीस एकम बीस दस एकम दस, वो भी सही है घबराओ मत बिल्कुल भी, एक बटा एफ बराबर माइनस माइनस प्लस हो माइनस के तीन बटा कितना बैठेगा बीस, बैठेगा नहीं एक बटा एफ बराबर तो बीस इसे बैठेगा माइनस के तीन, पलट दो सर पलट दोगे तो कितना बैठेगा एफ बटे एक, एफ बटे लिखते नहीं हमें कितना बैठेगा बीस बटे कितना बैठेगा तीन, भाग दे देंगे एफ बराबर तीन छः अट्ठारह माइनस के छः पॉइंट छः छः पॉइंट छः छः, इसकी जो फोकस दूरी होगी छः पॉइंट छः छः होगी, छः पॉइंट कितनी होगी छः छः, आ जाओ माइनस में नहीं फोकस दूरी, ये फोकस दूरी इधर नहीं है तो आगे नहीं माइनस, वो भी झूठ नहीं बोल रहा, सवाल देख लो कैसे बनेगा, सवाल को भावना ही समझनी है कि तो जो गाइड है ना तुम्हारे पास हो, गाइड हो बुक्स हो कुछ भी हो कहीं से भी हो, दस सवाल चाहिए मुझे इसके ऐसे चाहिए दस सवाल, समझ पाया बात यार, निकालने ही पड़ेंगे, नहीं करोगे तो मार खाओगे, यूट्यूब पर जाओ सर्च करो, अब तल गोले दर्पण से संबंधित सवाल, अगर इस पास गाइड नहीं है, गाइड नहीं है तो किताब होगी, किताब में सर्च करो, पिछले पुराने कॉपी उठाओ, लेकिन दस सवाल मुझे चाहिए चाहिए, पिछले साल लोग पेपर उठा कर देखो सवाल आया हुआ का, कि भाई जी जो बता रहे थे सवाल आया का, हाँ आया हुआ तो सारे सवाल करो उसमें, तो दस सवाल आराम से मिल जाएंगे तुम्हें 2011 से लेकर 2022 तक के सारे सवाल, समझ में आया बात यार, कोई दिक्कत पता लग गया, सवाल बताने जा रहा हूँ मैं, ये अभी दोनों पूछा फोकस दूरी कितनी है, पूछा फोकस दूरी, सवाल में पूछा रेखावर्धन भी याद करो, रेखावर्धन क्या याद करना, तो रेखावर्धन यू कह रहा है बस यू कह रहा है रेखावर्धन भी याद करना, तो रेखावर्धन निकालने के लिए क्या सूत्र हो एम बराबर, अभी इसमें ओ का मान नहीं दिया आई का मान नहीं दिया, जब ओ का मान ना दे आई का मान ये वाला सूत्र लगाएंगे माइनस के बी बटा यू वाला, तो लगाओ एम बराबर माइनस के बी बटा, तो एम बराबर कितना बैठेगा एम बराबर माइनस वी, वी का मान बताओ वी का मान, वी का मान माइनस के दस, या पहले थे माइनस माइनस के दस बटे यू का मान बताओ यू का मान माइनस के बीस, धड़ धड़ दस एकम दस दस दूनी बीस, एम बराबर आया माइनस के एक बटा दो, माइनस के एक बटा किसका मान आया एम का, कितना आया माइनस के एक बटा दो, देखिए वर्धन निकल गया एम का मान माइनस में प्लस में, जब माइनस में हो तो कौन सा दर्पण हो, और है नहीं अब्दुल दर्पण है नहीं अब्दुल दर्पण, बात समझ में आया, ठीक दो चीज निकालनी सीखी, एक तो फोकस दूरी निकालनी सीखी, एक रेखावर्धन निकालना सीख गया, और जरूरी है बार बार फोकस दूरी निकलवाएगा, फोकस दूरी दे देगा यू भी दे देगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी याद करो, जो अलग अलग टाइप के सवाल है उसमें फोकस दूरी दे देगा, ये दे देगा यू का वस्तु कितनी दूर रखी थी, वस्तु कितनी दूर रखी थी नहीं, वस्तु की दूरी पूछ रहा है, यू का मान पूछ रहा है, ऐसे ऐसे सवाल लो तो किताब भरा पड़ा हुआ, घर जाना और देखना, समझ में आया बात यार, डरना मत बिल्कुल भी, पहले यू बताओ हड़का समझ में आया, अभी आ गया कोई बात नहीं, एक काम करो इतना इतना ही पोर्शन लिखो यहाँ से, इतना 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 उतारो यहाँ तक, यहाँ तक नोट करो, नोट करो क्वेश्चन नंबर एक, यो चित्र बनाओ यो, ये क्वेश्चन नंबर एक, इसका उत्तर नोट करो फटाफट, आ जाओ सवाल देखना ध्यान से समझना, इस बार तुम्हारा नंबर नहीं लगा पाया, इस बार तुम बचने के लिए इसलिए मैं समझा रहा हूँ, फोकस लगा कर समझना, सवाल पूछने जा रहा हूँ, सवाल कैसा पूछेगा बेटे पेपर में, कैसे सवाल पूछेगा, जिसका फोकस हटा आज जिस नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी वहां भी लिखा रहा है जो बोर्ड लगे रहते हैं बोर्ड पर, ठीक नजर हटी दुर्घटना घटी, याद रखना कौन कौन सी चीज प्लस की कौन कौन सी चीज माइनस की, आ जाओ भाई साहब आ जाओ, प्रश्न नंबर दो ध्यान से सुनना, प्रश्न नंबर दो और तीसरे वाले तुम्हारा सबका नंबर आ जाएगा, बता बेटे कैसे पूछना, क्या पूछा गया सवाल को, बता सवाल कैसे बनेगा, खुद बना दिखा सवाल, सवाल देखो कैसे देखो, मैं सवाल नहीं लिखने जा रहा हूँ समझाने जा रहा हूँ बस, एक अवतल दर्पण में वस्तु को बजा, एक अवतल दर्पण में वस्तु को, एक अवतल दर्पण में वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, पता लग गया ना माइनस क्यों ले, क्योंकि अवतल दर्पण बोले ना 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, हाल तो मत बोल 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, कोई दिक्कत, अवतल दर्पण का
अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है? माइनस पता नहीं लगा ना क्यों लगाया माइनस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, कान मैंने बताने का, ओ भाई ये अवतल दर्पण माइनस लगाया ल, अपना भी लगाना पड़ेगा इसमें, समझ में आया बात या? यू का मान 40 सेंटीमीटर, एफ का मान, तो उस वस्तु का, उस वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, यानी वी का मान पूछ रहा है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कितनी दूरी पर बनता है, ये याद करना है, किसका मान पूछ रहा है, इतना बात बताओ समझ आई? गोली दर्पण का, गोली दर्पण की प्रकृति भी याद कीजिए, जैसे ऐसे कैसे सवाल, ऐसे नहीं कहने का, तो रेखीय आवर्धन भी याद कीजिए, क्या याद करना, रेखीय आवर्धन भी निकालना, रेखीय आवर्धन का मतलब किसका मान निकालना, एम का, चले पहले ऐसा कोई सूत्र देखो जिसमें यू भी आता हो, वी भी आता हो, एफ भी आता हो, तो दर्पण सूत्र नहीं आता, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र, यस, वन अपॉन एफ, धनाचार्य का सूत्र नहीं दर्पण सूत्र, एक बटा एफ बराबर एक बटा वी, आई लव यू नहीं, एक बटा वी प्लस एक बटा यू, यार क्या बदतमीज है, चल क्या रहा है, एफ एफ का मान कितना, मैंने कहा दर्पण का सूत्र, आई लव यू कौन सा सूत्र है, नया पैदा हुआ सूत्र ही हो, एक बटा एफ, एफ का मान कितना माइनस के 10 बराबर एक बटा वी, वी का मान तो निकालना, जो निकालना ना उसे एज इट इज रखना, एज इट इज जैसा आया था से रखना, एक बटा यू, यू की वैल्यू कितनी, माइनस के 40, और समझाए थे ये प्लस माइनस दोनों चिन्हों के नाम का एक चिन्ह बन जाएगा, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा माइनस के एक बटा 10 बराबर एक बटा वी माइनस माइनस प्लस माइनस एक बटा 40, किसका मान निकालना, वी का, ये पोर्शन माइनस का इधर जाएगा, ले आओ एक बटा 40 माइनस एक बटा 10 बराबर एक बटा वी, कोई दिक्कत, एक बटा 40 माइनस का था, इधर आया तो प्लस का, ये लिखा माइनस के एक बटा 10, इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 40, 40 ही कम भाग दे कितना, एक, एक ही कम चीन माइनस का 10 चौक 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 मतलब 4, 4 ही कम बराबर एक बटा कितना v, कुछ बच्चा ऐसे भी कर रहे 10 वो भी सही है, ठीक, इसमें घटा कितना बैठेगा, 3 पढ़ लो फिर तो बुखार भी चढ़ जा, एक बटा कितना v, इसे पलट दो, पलट दोगे तो v बटा 1 बराबर 40 बटा 3, 40 बटा कितना 3, उसके बाद काट दोगे सर 3 से काट दो कितना बैठेगा, 3 कम 3 और 3 3 9, 3 कम 3 3 3 9 13 पॉइंट समथिंग समथिंग 13.3 13.3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर माइनस में नहीं आया, प्रतिबिंब इधर ही बढ़ना होगा, अगर प्लस में आता तो प्रतिबिंब इधर बनता, पक्की बात है, रेखीय आवर्धन भी तो निकालना, रेखीय आवर्धन भी निकाल लो, दूसरा एम बराबर माइनस की वी बटा यू है नहीं, एम बराबर माइनस वी का मान बताओ, वी का मान माइनस के 40 बटा 3, यू का मान बताओ, यू का मान माइनस के 40, दड़ दड़ 40 कम 40 एक बटा 3, एम बराबर आया माइनस के एक बटा 3, आया नहीं माइनस में नहीं आया, तो माइनस में आया तो एम का मान अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण, एम का मान माइनस माया की अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण कर ले जाओगे, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, नोट कर लो, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, इसे हटा रहे उत्तल दर्पण वाला एक सवाल समझा रहे, 3 सवाल समझा दिए गए, चौथा सवाल, फिर सवाल लिखवाने शुरू करूंगा कल से, समझ में बात, या आज लिखवाया तो नहीं कुछ भी, 3 हो गए ना, दो हुए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड ध्यान से सुनना, एक उत्तल दर्पण में, हेलो, एक उत्तल दर्पण में वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यू का मान दे दिया, 20 प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा, यू का मान प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा, कि उत्तल दर्पण में सिर्फ यू का मान ही माइनस हो बाकी सब प्लस में, एक उत्तल दर्पण के सम्मुख, ऐसा एक उत्तल दर्पण के सम्मुख, सम्मुख का सामना, वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, रख दिया, उस वस्तु का प्रतिबिंब,
उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाता है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 10 सेंटीमीटर इधर वाला नहीं होगा, प्लस के होंगे माइनस के, यू का मानी माइनस के सब प्लस। लेकिन इस सवाल की ना खास बात पता क्या, यू कह रहा है इस सवाल में ना फोकस दूरी याद करनी, ये याद प्लस में ही आ गई, पक्की बात है 100% आई प्लस में। लेकिन सवाल में दिक्कत हो एक, उसने सवाल में था क्या कह रखा है, यू कह रहा है जो वस्तु का आकार है इस बार वो भी दिया, सुना ओ का मान दे दिया, वस्तु का आकार, वस्तु की लंबाई दे दी, ओ का मान दे दिया। मैंने कहा कितने सेंटीमीटर वाला, कह रहा 5 सेंटीमीटर वस्तु का आकार। मैंने कहा हमसे क्या चाहिए फिर, कह रहा तुम प्रतिबिंब का आकार बताओ। मैंने कहा क्या चाहिए, कह रहा आई का मान बताओ तुम। बड़ा खतरनाक पुर्जा निकला, समझ गए क्या पूछ रहा हो। चले F V और U, F V और U कौन से सूत्र मानते हैं, दर्पण सूत्र, लिखेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से एक बटा F बराबर एक बटा F, F का मान तो पता ही नहीं मुझे, पता नहीं क्या क्या ज्ञात करना। V, V का मान कितना 10 प्लस एक बटा यू का मान बताओ माइनस के 20, माइनस प्लस माइनस नहीं होते, एक बटा एफ बराबर एक बटा 10 प्लस माइनस माइनस एक बटा 20, एक बटा एफ बराबर बस जिंदगी तेरी दो तो गुणा, इसी का रखा दो तो गुणा कर दो, तो नीचे गुणा कर दो, पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा जाएगा, हल्ली तो एलसीएम ले लेंगे तो बैठेगा 20, 10 दूनी 2 आया, 2 एकम 20, एकम 20, एक आ जाएगा एक बटा एफ बराबर घटाने में तुम्हारे क्या चर्चे, एक बटा कितना 20, या 20 एकम 20, एफ बराबर कितना आया पता लग गया ना, बराबर 20 कैसा आया, किसका मान, एफ का मान प्लस में नहीं आया, जब तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में नहीं होती, इधर हो ना फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी इधर, एफ का मान तो निकल चुका, निकल चुका, अब किसका मान निकालना, आई का, आई का मान कैसे निकालना, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, एम बराबर सूत्र हो आई बटा हो, होता नहीं, अगर एम का मान होता और ओ का मान होता, ओ का मान तो मेरे पास है, एम का मान नहीं है, मैं एम का मान यहां रख देता, ओ का मान यहां रखता, गुणा करके आई का मान निकल जाता, ऐसे तो आई का मान निकल जाता, लेकिन दिक्कत कहां, पेंच कहां फंस रहा है, एम का मान नहीं है, पेंच कहां फंस रहा है, एम का मान नहीं है, ओ का मान है, ओ का मान है 5 सेंटीमीटर, किसका मान नहीं है, ये तो बेंच फंस रहा है, तो एम का मान कोई, अगर मुझे कोई एम का मान बता दो मजा ना जाएगा, आ जाएगा नहीं जाएगा, कैसे को कान में थोड़ा बताएगा, खुद निकालना पड़ेगा, दूसरा सूत्र भी तो एम का मान निकालने का, वही लगा दे, इसे मान लो समीकरण एक, पहले एम बराबर वही सूत्र लगाओ, एम बराबर माइनस के वी बटा यू, एम बराबर पहले पता लग गया ना, एम का मान क्यों निकाल ले, क्योंकि हमें आई का मान निकालना, एम बराबर माइनस वी का मान बताओ, वी का मान, वी का मान 10 प्लस के माइनस के हो, यू का मान कितना, धड़ धड़ 10 एकम 10 10 दूर, वाओ कितना मजा आया, एम का मान निकल गया, एम का मान निकल गया, अब तो मुझ आएगी, अब लिखो समीकरण एक से, समीकरण किसका मान निकालना, एक्चुअली में, एक्चुअली में किसका मान निकालना, आई का, आई का मान निकालना, समीकरण एक क्या है हमारी, एम बराबर आई बटा ओ, या किसका मान लिखेंगे हम का, अब तो दिक्कत नहीं है, जो पेंच फंस रहा था ना, पेंच बाहर निकाल लिया हमने, एक करी पेंच बाहर निकाल लिया हम, ये आई का मान सेम जैसा है था, ओ का मान, ओ का मान 5 इसकी दुर्गुणा कर दो, 5 बटे कितना बैठेगा 2 बराबर कितना बैठेगा आई, इसे इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, आई बराबर बैठेगा 5/2 और 2 तो भाग देंगे ना, 5 का आधा कितना, 2.5 नहीं होता, 2.5, यानी आई बराबर बैठेगा, आई बराबर 2.5 सेंटीमीटर, रुक जाओ पहले समझ, समझ में कोई दिक्कत, याद आ गई होगी ना, इधर देख लो कोई बात नहीं करना, समझ आई का मान दो, इसका मतलब भावनाएं समझो, भावनाएं, वस्तु तो 5 सेंटीमीटर लंबाई है वस्तु की, लेकिन प्रतिबिंब 2.5 सेंटीमीटर लंबा, यानी उसका आधा बनना है, 5 का 2.5 नहीं होता भाई, वस्तु तो अगर 5 सेंटीमीटर की थी ना, वस्तु 5 सेंटीमीटर की, तो दर्पण के अंदर आधी दिखाई दे रही है, इसका ही मतलब वो वस्तु 5 सेंटीमीटर की नकिया, यहाँ दर्पण हमारे पास, यहाँ वस्तु 5 सेंटीमीटर की है, तो उसके अंदर आधी दिखाई दे रही है और 2.5 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, ये मतलब है इसका, सवाल को समझे करो, समझ, कोई दिक्कत यहाँ तक,
ऐसे भी सवाल, कितने सवाल करवा दिए? तीन? तीन। आज के लिए मैं साइंस में रखता हूँ इतना ही, और तुम ना साइंस में आज घर जाकर दस सवाल कर ले, और जिस बच्चे के 10 सवाल नहीं हुए उसे 10 साल पीछे भुजा दूंगा। समझ गए?